हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू योर न्यू डार्क सन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के शाम के इस वीडियो में शिक्षा और रोजगार जगत की हर एक महत्वपूर्ण खबर इस वीडियो में आपको मिलने वाली है, तो बने रहिए वीडियो पर। सबसे पहली अपडेट है बीएड वीएसटीसी बीटीसी डीएलएड जो कि सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग है, जिसकी जो अगली सुनवाई है वो 12 अक्टूबर 2022 को निर्धारित की गई है। और उसी को लेकर अभी आज देर शाम सुप्रीम कोर्ट ने ऑफिशियल ऑर्डर जारी कर दिया है, जहां पर एनसीटीई के साथ विभिन्न राज्यों को एक नोटिस भी एक तरीके से दे दिया गया है। क्योंकि दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट से बीएड प्राथमिक शिक्षक भर्ती में वैलिडिटी को लेकर जो फैसला आएगा वो पूरे देश पर लागू होगा, ये भी चीज़ें स्पष्ट हो चुकी हैं। और इस ऑर्डर में स्पष्ट भी ये सभी चीज़ें कर दी गई हैं, जहां पर ये भी बता दिया गया है कि जितने भी स्टेट हैं या एनसीटी का यहाँ पर बहुत ही अहम रोल है, क्योंकि एनसीटी क्या यहाँ पर अपना एफिडेविट दाखिल करेगी वो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रखती हैं। तो एनसीटी से भी साफ किया गया है, यूनियन ऑफ इंडिया से भी किया गया है और विभिन्न राज्यों से भी कह दिया गया है कि जो लोग भी अपना एफिडेविट या रिज्वाइंडर लगाना चाहते हैं वो लगा दें, क्योंकि सुनवाई के बाद किसी भी तरह का, किसी भी प्रकार का कोई भी फैसला या कोई भी समय उनको नहीं दिया जाएगा। जो पहले से एफिडेविट यहाँ पर लगे होंगे विभिन्न राज्यों के एनसीटी के, उसी के आधार पर जो फैसला है वो देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, इस ऑर्डर से ये तो आप समझ ही चुके हैं कि ये जो फैसला आने वाला है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा पूरे देश के बीएड छात्रों के लिए। अब इस आदेश के बाद ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा स्पष्ट हो चुकी हैं। फिलहाल अगली सुनवाई 12 अक्टूबर को है, उससे पहले तक का समय है एनसीटीई के पास और विभिन्न राज्य, जिसमें से राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ऐसे हिमाचल प्रदेश हैं, ठीक है, हरियाणा, ऐसे बहुत सारे हैं जो यहाँ पर अपना एफिडेविट जरूर लगाएं, क्योंकि यहाँ पर बीएड को लेकर जो मामला है वो उनके खुद के यहाँ पर हाई कोर्ट्स में भी पेंडिंग पड़ा हुआ है, जिसको लेकर वो अपना विचार जरूर यहाँ पर दाखिल करेंगे। फिलहाल इंतज़ार करेंगे सुनवाई का। और ये जो है एक बार मुद्दा जो है दोस्तों वो शिक्षा मित्रों की तरह हाईलाइट हो रहा है, और उसी तरह कुछ निर्णायक जो है यहाँ से देखने को इसी वर्ष तक मिल जाएगा। फिलहाल इस पर हर एक अपडेट हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली अपडेट दोस्तों पीएनपी से ही देखने को मिल रही है, जो कि हम आपको बता दें, बहुत सारे छात्रों को इंतज़ार है एडेड जूनियर हाई स्कूल में अपने परिणाम को लेकर। अभी पिछले सप्ताह बहुत ही तेज़ी से पीएनपी सचिव के माध्यम से चीज़ें स्पष्ट की गई थी, जब छात्र उनसे मुलाकात करने गए थे परीक्षा के परिणाम को लेकर, तो उनके माध्यम से कहा गया था कि इसी सप्ताह परिणाम जारी कर देंगे, लेकिन शासन में प्रस्ताव पेंडिंग है, वहां से मंजूरी नहीं मिल रही है और इसी कारण से आज तक आप अपना जो संशोधित परिणाम है एडेड जूनियर का वो नहीं देख पाए, क्योंकि पीएनपी उसे जारी तब तक नहीं करेगा जब तक सरकार की तरफ से, शासन की तरफ से उसको दोस्तों यहाँ पर ऑफिशियल अनुमति नहीं मिलेगी। जानकारी देखने को मिली है, बहुत सारे छात्रों ने आज देर शाम यहाँ पर मुलाकात की पीएनपी सचिव से, जो जानकारी देखने को मिली है कि इसी सप्ताह में शासन से मंजूरी मिलने के अगले ही दिन परिणाम को लेकर एक पत्र जारी किया जा सकता है। जी हाँ, यहाँ पर दोस्तों पीएनपी सचिव के माध्यम से परिणाम की बात नहीं की गई है, पत्र की बात की गई है कि ये पत्र जारी किया जा सकता है कि हम इस तारीख को इसका परिणाम जारी कर सकते हैं या कर देंगे। तो फिलहाल इंतज़ार करते हैं उस ऑफिशियल अनुमति की, और जैसे ही अनुमति हमारे पास तक आएगी हम आप तक जरूर उस चीज़ को पहुंचा देंगे। लेकिन हम दोस्तों बता दें, पीएनपी की तरफ से एक अनुमति तो आज दे दी गई। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में
शिक्षक भर्ती तो नहीं आ रही है, लेकिन शिक्षक बनाने के लिए जो कार्यक्रम है उस पर लगातार छात्रों को मौके पे मौके दिए जा रहे हैं। ऐसा दोस्तों हम नहीं कर रहे हैं, ये कार्यालय सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश की ये विज्ञप्ति कह रही है जो कि फेस टू की है। इससे पहले फेस वन की विज्ञप्ति जारी हुई, अभ्यर्थियों से आवेदन भी लिए गए, काउंसलिंग भी करवाई गई, लेकिन दोस्तों उत्तर प्रदेश में जो सीटें अलॉट हैं डीएलएड करने के लिए वो आधी भी नहीं भर पाई। कारण यही है कि उत्तर प्रदेश में जब शिक्षक भर्ती का ही कोई 4 सालों से जिक्र नहीं है तो छात्र इतनी बड़ी डिग्री डिप्लोमा को लेकर लाखों रुपए लगाकर 2-3 साल फंसाकर नौकरी नहीं मिलेगी तो करेंगे क्या। ऐसे में वो बिल्कुल भी दिलचस्पी इसमें नहीं दिखा रहे हैं, बहुत ही वैसे ही छात्र इसमें आवेदन ले रहे हैं, तो आधी सीटें खाली रहीं। और इसी को लेकर फेस टू की ये विज्ञप्ति जारी की गई है, जहां पर कहा गया है कि एक बार फिर से संस्थानों के माध्यम से आपको मौका दिया जा रहा है कि आप यहां पर आवेदन करते हुए यहाँ पर अपना जो ट्रेनिंग का कार्य है वो कर सकते हैं, जो कि 30 अगस्त 2022 से 4 सितंबर 2022 तक का रखा गया है। रैंक भी निर्धारित किए कर दी गई है और प्रशिक्षण 14 सितंबर से इसका शुरू होगा जो कि ये फेस टू का है। तो अगर अभी भी आपका मन है, विचार बदल रहा है और अगर आपने आवेदन किया था तो आप काउंसलिंग करवा सकते हैं, एक बार फिर से पीएनपी की तरफ से मौका दिया गया है। और पूरी जानकारी www.updlaid.gov.in की आधिकारिक वेबसाइट पर भी जाकर चेक कर सकते हैं। वहीं पर दोस्तों अगली अपडेट भी बड़ी अच्छी है, एल्टी ग्रेड की नई भर्ती है उसका इंतजार छात्र लंबे समय से कर रहे हैं। काफ़ी लंबे समय से जानकारी देखने को मिल रही थी कि विज्ञापन आएगा, लेकिन अभी तक विज्ञापन रिलीज नहीं हुआ। और इसी को लेकर आज अपर शिक्षा निदेशक प्रयागराज में एक ज्ञापन दिया गया जो कि विक्की खान सर की तरफ से दिया गया, आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, और उनके माध्यम से ये 29 अगस्त को यानी आज भी ज्ञापन दिया गया है जहाँ से कुछ जानकारी देखने को मिली है। विषय देखिए, आप देख सकते हैं कि LTGIC एवं GIC प्रवक्ता 2022 के नए विज्ञापन पर निर्णय लिए जाने के संबंध में यहाँ पर कहा गया है। उन्होंने कहा है कि शैक्षिक अर्हता को लेकर जो विवाद है और इसी को लेकर जो ज्ञापन में यहाँ पर बार बार जिक्र भी किया जा रहा है कि इसी को लेकर विज्ञापन में रुकावटें आ रही हैं, क्योंकि शैक्षिक अर्हता जो है वो क्लियर नहीं हो रही है, जिसको लेकर हाई कोर्ट ने सख्त निर्देश दिए थे सुनवाई पर कि आप जब नया विज्ञापन अब निकालें तो शैक्षिक अर्हता को लेकर स्थिति स्पष्ट करें तभी नया विज्ञापन निकालें। और इसी प्रकरण पर निदेशालय का अभी कोई भी निर्णय नहीं हो पाया है, शैक्षिक अर्हता को लेकर कोई भी स्पष्टीकरण नहीं हो पाया है, ना स्पष्ट हो रहा है ना कोई स्पष्टीकरण दिया जा रहा है, और इसी के लेकर LTGrade GIC का जो नया विज्ञापन है वो लगातार लेट होता जा रहा है। इसी को लेकर आज दोस्तों यहाँ पर ज्ञापन दिया गया है और मांग की गई है कि जल्द ही इस पर निस्तारण निकाला जाए, इस अर्हता विवाद को निपटाया जाए, नहीं तो छात्र आंदोलनरत होने के लिए बाध्य हो सकते हैं। फिलहाल उनके द्वारा आश्वासन दिया गया है कि जल्द ही इसको निस्तारित करवाते हुए जो नया विज्ञापन है वो उत्तर प्रदेश में जारी कर दिया जाएगा। वहीं पर इस ज्ञापन के साथ एक ज्ञापन और दिया गया, जहां पर LTGIC 2018 के द्वितीय सूची चयनित एवं GIC प्रवक्ता 2020 के समस्त विषयों में चयनित अभ्यर्थियों के पोर्टल खोलने और उनकी नियुक्ति और पदस्थापन की भी मांग की गई है, जिसके लिए भी यहां पर 7 विषयों का जिक्र किया गया है और इस पर भी अति शीघ्र जो प्रक्रिया है वो शुरू करने के लिए कहा गया है। फिलहाल इस पर भी आश्वासन ही मिला है कि जल्द ही इस पर जो कार्यक्रम है वो घोषित किया जाएगा। तो ये कुछ लेटेस्ट अपडेट थी जो दिन भर की थी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।